बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बक्सर की, जहां लाठीचार्ज के बाद से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी किसान कंपनी के खिलाफ आक्रोशित हो जाते हैं तो कभी नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी छिड़ रही है। बक्सर का बनारपुर इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है। किसानों पर हमले के बाद आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बक्सर जाएंगे, इसको लेकर सत्ताधारी दल इसे राजनीति का स्टंट बता रहे हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पहले लाठीचार्ज, फिर हंगामा और अब सियासी स्टंट इसे बताया जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बक्सर पहुंचेंगे। सत्ताधारी दल ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है। तो विजय सिन्हा आज पहुंचेंगे बक्सर। अश्विनी चौबे मौन धारण पर बैठे हुए हैं, चिराग ने भी यहां पर तंज कसा है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बक्सर में लाठीचार्ज हुआ, फिर जोरदार हंगामा, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई और आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचेंगे बक्सर। सत्ताधारी दल ने इसे पॉलिटिकल स्टंट भी बताया है, क्योंकि लगातार नेताओं के जाने का सिलसिला वहां पर जारी है। अश्विनी चौबे मौन धारण कर बैठे हुए हैं, साथ ही अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचेंगे, अश्विनी चौबे का मौन धरना है और सुधाकर सिंह ने जांच की मांग की है इसको लेकर, और साथ ही चिराग पासवान भी सिमरतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आए, क्योंकि अब ये सियासी अखाड़ा बन चुका है। तो वहीं बक्सर पहुंचे सुधाकर सिंह ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की, तो चिराग पासवान ने सीएम को आड़े हाथ लिया। अपने ही राज्य की पुलिस अपने ही लोगों पे बेरहम तरीके से रात को 12 बजे घर में घुसकर लाठी चलाएगी, कल्पना से परे। वो जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की हम रक्षा के लिए आए थे, हम बिहार में न्यायपूर्वक शासन चलाने के लिए आए थे, उन लोगों के द्वारा ऐसा, इसलिए मैं तेजस्वी जी से मांग करता हूं, हमारे उप मुख्यमंत्री कि पूरे घटना का न्यायिक जांच कराएं और दोषी तत्वों को कड़ी कार्रवाई करें और किसानों पे जो फर्जी मुकदमे हैं उसको वापस। नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है लाठी। लाठी ही उनके पास हर समस्या का समाधान है। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद हर समस्या की जड़ में हो, उनसे किसी तरीके की समाधान की अब उम्मीद भी रखना बिहार और बिहारियों ने छोड़ दिया। समाधान की जरूरत आज यहाँ पे थी। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी आज किसानों के बीच है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने एक बार यहाँ पर आना जरूरी समझा, या छात्रों से मिलना जरूरी समझा, या शिक्षकों से मिलना जरूरी समझा, जिनके ऊपर इन्हीं के प्रशासन के लोग लाठी चलाने का काम करते हैं। वहीं इस पर कुछ और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन पर निर्माण का काम शुरू हो गया। दूसरी गलती पुलिस से हुई, घरों में घुसकर किसानों को पीटा गया, वीडियो वायरल है, सबने देखा कैसे महिलाओं को भी पुलिस वालों ने पीटा, बुजुर्गों को पुलिस वालों ने पीटा। अब किसानों की आंखों के सामने बिना मुआवजा दिए उसकी जमीन पर निर्माण कीजिएगा, घरों में घुस के उनको बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक पीटिएगा, तो रिएक्ट तो करेगा किसान। तो मिल बैठ के एक रास्ता निकाल लेना चाहिए, किसानों से बातचीत हो जाए, मुआवजे की राशि मिल जाए, उन पर दर्ज जो मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाए और निर्माण वहां होता रहे, सब कुछ अच्छे माहौल में हो जाएगा। बक्सर में जो घटना घटी है अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिहार की सरकार किसानों की हितैषी है, किसानों की किसी भी मांग पर सरकार गंभीरता के साथ विचार करती है। हर किसी को अपना विरोध भी लोकतांत्रिक तरीकों से ही करना चाहिए, कभी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम सभी से अपील करेंगे धैर्य रखने की, और प्रशासनिक महकमे की तरफ से अगर किसी के द्वारा लापरवाही बरती गई है, गड़बड़ी हुई है, तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार की वर्तमान सरकार जो है कार्रवाई की करने वाली सरकार है, और हमारा दायित्व है किसानों को मुआवजा देना, न कि पुलिस का लाठी चलवाना। यदि पुलिस के लोगों ने कहीं लाठी चलाया है तो इसकी जांच होगी
और जांच होने पर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं पटना से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पहले हंगामा होता है और अब इस पर राजनीतिक स्टैंड से कहा जा सकता है, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला इसमें जारी है। आज तो नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए जब हंगामा होता है तो तमाम तस्वीरें हम जी मीडिया के माध्यम से दिखा भी रहे थे, पुलिस का पक्ष भी दिखा रहे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसका पक्ष हम दिखा भी रहे हैं, और ऐसी स्थिति में तमाम चीज़ें एक दूसरे एंगल पे शिफ्ट होती जा रही हैं। घटनाक्रम था कि लाठीचार्ज होता है, उसके बाद किसान जो है उग्र हो जाते हैं, किसान अपने तरफ से उपस्थिति दर्ज कराते हैं उग्र आंदोलन के रूप में, जो कि कहीं से जायज नहीं है। देखिए दो चीज़ें इसके अंदर हैं, पहला तो ये कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप अपनी बात को रखें, लेकिन बात रखने का तरीका जो है वो तय है, वो मापदंड तय है, वो उग्र आंदोलन के रूप में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन फिर हुआ आंदोलन, फिर पुलिस बल बड़े पैमाने पर वहाँ तैनात की गई, ये पहला एंगल था। दूसरा एंगल ये था कि इस आंदोलन के बाद, इस घटना के बाद वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तो लगा ही लगा, साथ ही नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय सांसद हैं वहां से, अश्वनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके उन कहा यह जाता है कि उनकी गाड़ी पर भी एक आध ईंटा फेंक दिया जाता है, ये तस्वीरें भी आती हैं। उग्र लोगों ने, गुस्साए लोगों ने ऐसा किया। उसके बाद अश्वनी चौबे जो है पुलिस के लाठीचार्ज और तमाम चीज़ों के विरोध में वहाँ पर जो धरना स्थल है वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं, और अब इसमें एंगल ये आ गया है, दूसरा एंगल ये आ गया है कि जब धरने पर अश्वनी चौबे बैठे तो उनके हाथ में रामचरितमानस था, रामचरितमानस का पाठ करते हुए मौन रूप से अश्वनी चौबे धरने पर बैठ गए, जिनका मौन व्रत जो था, उन्होंने मौन व्रत अनाउंस कर रखा था जो आज 12 बजे खत्म होगा। उसी दौरान सुशील मोदी वहाँ पहुँच जाते हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि इस तर्ज पर जो सरकार काम कर रही है वो कतई उचित नहीं है, दमनकारी नीति के साथ काम कर रही है, और उसमें दूसरा एंगल भी ऐड ऑन होता है कि जो शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देता है वो बक्सर से चीज़ें निकलने लगी। एक देखिए एक शिफ्ट होने लगा, वो आंदोलन के बाद ये चीज़ें रामचरितमानस की ओर बक्सर से निकलने लगी। सुशील मोदी पहुँचते हैं, वो आंदोलन की बात करते हैं कि आंदोलन में पुलिस दमनकारी नीति अपना रही है, उसके बाद सुशील मोदी का बयान आता है शिक्षा मंत्री को लेकर के, आज वहाँ नेता प्रतिपक्ष पहुँच रहे हैं, विजय सिन्हा पहुँच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दो मामले एक साथ अब बक्सर से ही निकल के आ रहे हैं। भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि किसान आंदोलन को लेके तो घेरेंगे ही घेरेंगे, साथ साथ रामचरितमानस पर जो तमाम बयान आए हैं उसको लेके भी घेरेंगे, और इसका पॉलिटिकल केंद्र कहीं ना कहीं अब बक्सर बनता जा रहा है। सुधाकर सिंह ने भी किसानों को लेकर बयान दे दिया कि किसानों पर जो आंदोलन के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ उस पर तमाम तरह की जाँच हो। तो अब दो मामले एक तरफ से शिफ्ट होकर के बक्सर पहुँच गए हैं, और ये बक्सर से आज पूरे दिन जो बयान आएंगे वो बताएंगे कि कहीं ना कहीं इसमें तल्खी और बढ़ेगी, जो गर्माहट है वो और बढ़ेगी और तेज होगी। स्वप्निल, बिल्कुल इसके दो पहलू हैं जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, और पॉलिटिकली स्टैंड इसे इसलिए भी हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, आप देखिए चिराग पासवान का भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या बैठक के जरिए इन तमाम समस्याओं का हल करना सीएम नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर क्या सॉल्यूशन समाधान लाठीचार्ज है, लेकिन उधर किसान भी उग्र हैं। फिलहाल किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है उस वीडियो को लेकर, उस हंगामे को लेकर? बिल्कुल, देखिए किसानों का कहना यह है कि जो उचित राशि है वो उनको दी जाए। असल में होता क्या है प्रीति, इसमें पैरामीटर्स ये होते हैं कि जब जमीन अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण जिसको कहते हैं, जब भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो जो वर्तमान शुल्क होता है, वर्तमान जो पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर वो पैसा पे किया जाता है, लेकिन ये अधिग्रहण होते होते लंबा समय खिंच जाता है, तो जब समय खिंचता है तो जो रेट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो रेट्स बढ़े रेट को कोट करने की बात हो रही है। वर्तमान जो सर्किल रेट चल रहा है, सर्किल रेट होता है निजी रेट के तौर पर जिसको देख सकते हैं, वर्तमान जो रेट चल रहे हैं उस पर भुगतान की बात हो रही है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें किसान का भी ये कहना है कि जो मामले हैं उसको, जो मुकदमे हुए हैं उसको आप वापस लीजिए और बैठ के डायलॉग स्थापित कीजिए। अगर डायलॉग स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, और किसान भी ऐसा नहीं है कि बक्सर के किसान ये नहीं चाहते कि वहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ ना लगें, वहाँ पर फैक्ट्रीज ना आएँ, वो भी चाहते हैं क्या है क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होता है, लेकिन उनकी जो राशि मिलनी है वो प्रॉपर मिले, इसको लेके नेगोशिएशन हो, ये उनकी मांग है। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि इस पूरे हंगामे के बाद अब इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही है। शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही हम आपको बता दें, जोरदार हंगामा होता है, लाठीचार्ज होता है, और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, जहां कुछ नेता, राजनेता ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं, कुछ बक्सर पहुंच रहे हैं।